नमस्कार मेरे साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब प्लेटफॉर्म सीयू एजुकेशन न्यूज़। तो भाई, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं आपके सीआईएसएफ के ऊपर, क्योंकि काफ़ी बच्चों के यहाँ पर डाउट है। सीआईएसएफ फायरमैन की आपकी जो वैकेंसी है वो इंक्रीज़ कर दी गई है। उसके बाद में काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि सर, आपने पहले वाली वीडियो में जो कट ऑफ बताई है वही रहने वाली है या नहीं रहने वाली है। तो उनके काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना दिया जाए आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी की ये डाउट है वो क्लियर मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। कट ऑफ की आपको जानकारी दूंगा, कट ऑफ बढ़ेगी या कम होगी, ठीक है। वैकेंसी किस किस राज्य में ज़्यादा बढ़ी है, किस में कम बढ़ी है, उसके उस हिसाब से भी कट ऑफ तैयार होगी। रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है, उसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मैं देने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपकी जो पहले वैकेंसियाँ थी वो 1100 कुछ वैकेंसियाँ थी, ठीक है। मैं इसी नोटिस के अंदर आपको वो दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले जो आपकी वैकेंसियाँ थी वो 1150 वैकेंसियाँ थी, ठीक है। फिर यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है वो बढ़कर 1150 से बढ़कर 1721 वैकेंसियाँ हो गई है। अब इसके अंदर ये नहीं कि ऑल इंडिया है, ये ऑल इंडिया नहीं है, स्टेट वाइज रहने वाली है। तो स्टेट वाइज ही वैकेंसियाँ बढ़ी है। जैसे आप ये देख सकते हो, उत्तर प्रदेश के अंदर पहले 112 वैकेंसियाँ थी, अब यहाँ पर 169 वैकेंसियाँ हो गई है। उसी हिसाब से आप देख सकते हो, राजस्थान के अंदर पहले 39 वैकेंसियाँ थी, अब 58 वैकेंसियाँ हो गई। तो कट ऑफ का इसके ऊपर 100% प्रभाव पड़ने वाला है। जो पहले वैकेंसियाँ अलग अलग स्टेट वाइज बताई गई थी, तो उसके अंदर तो आप थोड़े बहुत यहाँ पर आपके पाँच नंबर कम कर सकते हो सभी के अंदर, ठीक है। जो हमने आपको पहले वाले वीडियो के अंदर, आप पहले वाला वीडियो भी जाकर देख सकते हो, जिसके अंदर आपको अलग अलग यहाँ पर स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ वो बताई गई है, ठीक है। तो वो उस हिसाब से आप पाँच नंबर है वो आपको कम कर लो। सभी कैटेगरी की बात कर लेते हैं, जनरल, ओबीसी, SC ST, तो सभी के अंदर आप अपने पाँच नंबर घटा सकते हो कट ऑफ के अंदर, क्योंकि इतनी वैकेंसियाँ बढ़ी है, तो इतनी यहाँ पर आपके 500 कुछ वैकेंसियाँ बढ़ी है, तो यहाँ पर इतनी तो कट ऑफ कम होने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं आपका रिजल्ट है वो कब तक आने वाला, और ये भी बच्चों के डाउट है कि आपका एग्ज़ाम में कितने बच्चे पास किए जाएंगे। पहले आपके 1150 बच्चे पास करने थे, पर अब यहाँ पर बच्चे भी ज़्यादा पास किए जाएंगे, 1721 प्लस यहाँ पर बच्चों को पास किया जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये आंकड़ा हमारे सामने निकल कर आया। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट की। रिजल्ट भाई अभी इस महीने में आने के आपके बहुत कम चांसेस है। अगले महीने के फर्स्ट वीक के अंदर आपका रिजल्ट वो आ सकता है। अभी यहाँ पर इतना जल्दी प्रोसेस है वो नहीं होने वाला है रिजल्ट का। अभी जो काम लग रहा है उस हिसाब से ये लग रहा है कि अभी एक या डेढ़ महीना यहाँ पर उन्हें एग्ज़ाम का रिव्यू और आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा और रिजल्ट तैयार करने में लगभग समय लग जाएगा, क्योंकि अब इतना इसमें समय लग गया, क्योंकि एक साल बाद फायरमैन के जो फिजिकल हुए थे उसके बाद में आपका रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था, तो उस समय जो टाइम लग गया वो लग गया। अब आपका टाइम नहीं लगने वाला है, और आशा है कि आपका इस साल के एंड तक आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है। और भी जो बच्चों के डाउट हो सीआईएसएफ फायरमैन भर्ती से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और यहाँ पर आपको पूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो आपको इस चैनल के साथ भरोसा बनाए रखना है, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।